अस्सलाम वालेकुम। आज आपको स्पाइसी जिंगर बर्गर बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए 800 ग्राम चिकन बोनलेस ली है। ये थाई पीसीज हैं स्किन के साथ, आप बगैर स्किन के भी ले सकते हैं। अब इसमें हम एक खाने का चम्मच सिरका, दो खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, एक खाने का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक खाने का चम्मच लहसुन का पाउडर, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो, और एक खाने का चम्मच अदरक का पाउडर डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन में सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैरिनेट करके 4 से 5 घंटे या पूरी रात फ्रिज में रख देंगे। जिंगर बर्गर के लिए लिक्विड कोटिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैदा लिया है 1/2 कप। इसमें 1/2 कप कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक हसबे जायका, हॉट सॉस 1 खाने का चम्मच, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, और इसमें 1 कप या हसबे ज़रूरत दूध डाल देंगे और इसको लिक्विड कर लेंगे। लिक्विड बैटर तैयार है, लिक्विड बैटर तैयार है, और एक बाउल में हमने ठंडा पानी ले लिया है और मैदा, इसमें हमने कुछ नहीं डाला, ये सादा प्लेन फ्लावर है, और मैरिनेट की हुई चिकन। सबसे पहले हम एक चिकन का पीस लेंगे, उसको लिक्विड बैटर में डिप करेंगे, फिर इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। चिकन को मैदे में अच्छी तरह से कोट कर दिया है, अब इसको पानी में डाल देंगे और इसको निकाल कर दोबारा मैदे में कोट कर लेंगे। चिकन को मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लिया है, इसके अच्छे से क्रम्स बन गए हैं। अब इनको ऑयल में फ्राई करेंगे और बाकी चिकन को भी इसी तरह बना लेंगे। चिकन को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लिया है, इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पका लिया है, अब इसकी साइड चेंज कर देंगे।
चिकन को इस तरफ से भी 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। चिकन फ्राई हो गई है, अब इसको निकाल लेंगे। चिकन को फ्राई कर लिया है, अब जिंगर बर्गर को असेंबल करेंगे, जिसके लिए हमने 2 बर्गर बंस लिए हैं, उनको हल्का सा तवे पर सेक लिया था। और यहाँ हमने एक सॉस तैयार की है जिसमें 1/2 कप मायोनीज है और 4 खाने के चम्मच टोमेटो केचप, इन दोनों को हमने मिक्स कर लिया है। इनको हम बर्गर बंस पर लगा देंगे। सॉस को बंस पर लगा दिया है, अब इन पर लेटस लगा देंगे। और कटे हुए टमाटर, प्याज, और इस पर ये चिकन का पीस रख देंगे। इस पर थोड़ी सी मायोनीज लगा देंगे। और इस पर बंस का दूसरा हिस्सा रखेंगे और इसको सर्व करेंगे। स्पाइसी जिंगर बर्गर तैयार है, आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपका स्पाइसी जिंगर बर्गर कैसा बना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।